सबसे पहले जानते हैं कि वेल्डिंग होती क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए, वेल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच परमानेंट जॉइंट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द मटेरियल अप टू सुटेबल टेम्परेचर विथ और विदाउट एप्लीकेशंस ऑफ द फिलर मटेरियल। देखिए, हम बोल सकते हैं कि वेल्डिंग एक ऐसा ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें हम दो मेटल को या दो किन्हीं ऐसी वस्तुओं को जोड़ते हैं जिनमें कि हम लोग एक सुटेबल टेम्परेचर को रखते हैं, यानी एक सुनिश्चित ताप होता है जिसे रखते हैं। और जो वेल्डिंग होती है वो हम दाब से भी, मतलब कि प्रेशर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें किसी वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का यूज होता है, जबकि कई ऐसी वेल्डिंग होती हैं जिसमें कि फिलर मटेरियल का यूज नहीं होता है। अगर फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं होता है तो फिर फिलर रॉड का यूज़ नहीं होता है तो फिर क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो फिर ऐसी कंडीशन जब आती है तो आपको कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नोट क्या है। इफ़ फिलर मटेरियल इज़ डिफरेंट फ्रॉम बेस मटेरियल, इट इज़ हेटरोजीनियस वेल्डिंग। अगर जो आप फिलर रॉड यूज कर रहे हो या जो आप फिलर मटेरियल से दो मेटल को ज्वाइन कर रहे हो, अगर वो बेस मटेरियल, मतलब कि वो मटेरियल जिन प्लेटों को या जिन मेटल को आप ज्वाइन कर रहे हो, अगर उसका मटेरियल फिलर मटेरियल से डिफरेंट है तो ऐसी वेल्डिंग को हम हेटरोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि वेल्डिंग के क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है डिफरेंट मटेरियल कैन आल्सो बी वेल्डेड। हम अलग अलग तरह के मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है वेल्डिंग कैन बी डन एनी वेयर। वेल्डिंग हम किसी भी जगह कर सकते हैं, ठीक है। कितना भी कॉम्पैक्ट साइज हो, किसी भी तरह की कंडीशंस हो, वेल्डिंग वहाँ पे प्रॉपर तरीके से की जा सकती है। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ मोर, इसकी जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाईली स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए जिसे अच्छे से वेल्डिंग करनी आती हो, अदरवाइज आपका ज्वाइंट उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, उसकी सरफेस फिनिशिंग नहीं अच्छी आ पाएगी या फिर आपका जॉइंट उतना मजबूती से नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हाईली स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। देखिए, सबसे पहले वेल्डेबिलिटी क्या होती है। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू वेल्ड अ मटेरियल, मतलब कि मटेरियल की वो एबिलिटी जो कि आपके किसी भी बेस मेटल को जो ज्वाइन करता है, जो वेल्डिंग करने की उसकी जो एबिलिटी होती है किसी मटेरियल की, वही आपकी वेल्डेबिलिटी कहलाती है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन देखिए, बेस मेटल क्या होता है। द मेटल टू बी ज्वाइंड और कट इज टर्म्ड द बेस मेटल। जिस भी मेटल की या जिन दो प्लेटों की या जिस किसी की भी वेल्डिंग करनी होती है, यानी उन दोनों को ज्वाइंट करना रहता है, उन्हीं मेटल को हम लोग बोलते हैं बेस मेटल। उसके बाद देखिए बोलते हैं वेल्ड फेस क्या होता है। इट इज एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द वेल्ड। तो वेल्ड फेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेल्ड बीड का वह हिस्सा जो एयर में एक्सपोज होता है, यानी जो एयर में खुला हुआ होता है, उसी को हम लोग वेल्ड फेस कहते हैं। या ये बोल सकते हो कि वेल्ड बीड का वो हिस्सा जो हमें दिखाई पड़ता है या जो एयर की तरफ एक्सपोज रहता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं वेल्ड फेस। अब बात आती है कि वेल्ड बीड, मैंने एक वर्ड यूज किया, तो वेल्ड बीड क्या होता है। तो वेल्ड बीड को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जिस जगह पर पैरेंट मेटल को वेल्ड किया गया है, वहाँ पर जो आपका मेटल डिपॉजिट होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं वेल्ड बीड, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं वेल्ड मेटल की। वेल्ड मेटल क्या होता है। द मेटल दैट इज सॉलिडिफाइड इन द जॉइंट इज कॉल्ड वेल्ड मेटल। यानी जब आप वेल्डिंग करते हो, तो वेल्डिंग करने में जब आप जॉइंट बनाते हो, तो कोई ना कोई आप फिलर रॉड से या फिर अगर आप कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हो, तो वो मेल्ट होके उस जॉइंट में क्या होता है, फ्यूज होके उसमें डिपॉजिट होता है। तो यही मेटल जो आपका सॉलिडिफाई हो जाता है, जो आपकी जॉइंट को सॉलिडिफाई करता है, उसे को हम लोग बोलते हैं वेल्ड मेटल, ठीक है। अब उसके बाद टॉर्च क्या है। देखिए, जो टॉर्च का यूज होता है या जो वर्क होता है, देख लेते हैं। इन गैस वेल्डिंग द टॉर्च मिक्स द फ्यूल एंड ऑक्सीजन एंड कंट्रोल इट्स डिलीवरी टू गेट द डिजायर्ड फ्लेम। जो गैस वेल्डिंग में मोस्टली हम टॉर्च का यूज करते हैं, और इसका वर्क क्या होता है कि आपको पता है कि गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन या फिर मोस्टली फ्यूल जो होता है वो एज एसिटिलीन यूज करते हैं। तो इसको जो मिक्स करना होता है वो टॉर्च करता है, और इसकी कितनी डिलीवरी होनी है जिससे आपकी फ्लेम कम ज़्यादा हो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम अपनी फ्लेम को ज़्यादा कम कर सकते हैं।
तो ये उसकी डिलीवरी को कंट्रोल भी करता है उस फ्यूल और ऑक्सीजन के मिक्सचर को, ठीक है। उसके बाद पडल क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट दैट इज मेल्टेड बाय द हीट ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड पडल। जब आप वेल्ड ज्वाइंट बनाते हो तो उसमें जो आपका दैट इज मेल्टेड बाय द हीट ऑफ वेल्डिंग, जो आपका वेल्ड ज्वाइंट आपने मान लीजिए बन गया आपका, अब आप वेल्ड ज्वाइंट बनाने में आप हीट तो सप्लाई करते हो, आग डेवलप रहती है, तो जो वेल्ड ज्वाइंट का जितना हिस्सा आपका हीट से इफेक्टेड हो जाता है उसी पोर्शन को आप बोलते हो पटल। उसके बाद क्वेटर, क्वेटर क्या होता है, इन आर्क वेल्डिंग अ क्वेटर इज द डिप्रेशन इन द वेल्ड मेटल पूल एट द पॉइंट वेयर द आर्क स्ट्राइक्स द बेस मेटल प्लेट। क्वेटर आप मेनली एक गड्ढा नुमा शेप हो जाता है, जब कहीं आप लगातार किसी भी चीज़ को, जैसे आपकी आर्क है, अब आप वर्क पीस में आपने स्ट्राइक करते हो जॉइंट बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो जब वो आग कंटिन्यू किसी भी जब बेस मेटल पे टकराती है तो वहाँ पे एक थोड़ा सा गड्ढा टाइप का हो जाता है, इसी को ही हम बोलते हैं क्वेटर, ठीक है। उसके बाद है डिपोजिशन वेट, डिपोजिशन वेट द वेट एट विच द वेल्ड मेटल इज डिपॉजिटेड पर यूनिट टाइम इज द डिपोजिशन वेट एंड इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज केजी पर आर। इसकी यूनिट याद रखिए कि आपका पर यूनिट टाइम में कितना वेल्ड मेटल डिपॉजिट हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिपॉजिशन वेट, ठीक है। अब बहुत ही अब नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए फंक्शन ऑफ फ्लक्स, आपने फ्लक्स कई बार सुना होगा, तो फ्लक्स होता क्या है, मतलब कि इसका मेन वर्क क्या होता है फ्लक्स का, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है, इट प्रोटेक्ट द बीड फ्रॉम द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। अभी मैंने बताया था कि वेल्ड बीड क्या होता है, कि जिस जगह पर आपका पेरेंट मेटल को वेल्ड किया गया है वहाँ पर जो मेटल डिपॉजिट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेल्ड बीड, ठीक है। और वेल्ड फेस मैंने भी बताया था कि वेल्ड बीड का वह हिस्सा जो एयर की तरफ एक्सपोज होता हो, तो अब ये एयर की तरफ एक्सपोज होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एटमॉस्फियर जो गैसेस रहती हैं उनसे इफेक्टेड रहेगा, तो उन्हीं एटमॉस्फेरिक गैसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए वेल्ड फेस वेल्ड बीड को हम लोगों क्या करते हैं फ्लक्स का यूज कर लेते हैं। उसके बाद फ्लक्स आर्क स्टेबलाइजेशन भी अच्छे से करता है, देखिए जो आर्क की जो फ्लेम रहती है उसको स्टेबल करने के लिए ये यूजफुल है। उसके बाद है इट कंट्रोल वेल्ड पूल विस्कोसिटी। अब यहाँ पे आया शब्द आया वेल्ड पूल, अब मैं बताती हूँ कि वेल्ड पूल क्या होता है। देखिए वेल्ड पूल को आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि जैसे आपको दो प्लेटों को जोड़ना है, ठीक है, तो उन प्लेटों का कांटेक्ट पॉइंट का वह हिस्सा जहाँ पर मेटल डिपॉजिट हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग वेल्ड पूल, ठीक है। पूल से आपको समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे तो ये वो जो वेल्ड पूल जहाँ पर मेटल डिपॉजिट है तो उसकी विस्कोसिटी को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। अब विस्कोसिटी क्या होती है, तो विस्कोसिटी मतलब कि द्रव का गाढ़ापन पतलापन, ये सारी चीज़ें विस्कोसिटी से कोरिलेट करती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए अब कुछ है फ्लक्स कोटिंग मटेरियल। जैसे कि जैसे आपको ये याद रखना है कि डी ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट कौन से हैं, स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड के अंतर्गत कौन आता है, वेल्ड स्ट्रेंथ में क्या क्या है, तो आप देख लीजिए। देखिए डी ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट में एल्यूमिना, ग्रेफाइट, मैगनीज, सिलिकॉन, ये आपको नाम रिमाइंड करके रखने हैं अपने माइंड में, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि डी ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट कौन सा है इसमें। स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड में कौन कौन सा है, आयरन ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है। आर्क स्टेबलाइज करनी है तो आप क्या करोगे, तो सोडियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। जैसे कि वेल्ड स्ट्रेंथ में अगर आपकी वेल्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आप क्या कौन कौन से आपके जो है मटेरियल जो आपकी वेल्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, तो जैसे क्रोमियम है, टंगस्टन है, डब्लू टंगस्टन को बोलते हैं, ठीक है, टंगस्टन का सिंबल है डब्लू, निकिल है, कोबाल्ट है, वेनेडियम है, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्पफुल हैं, ठीक है। उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोलैरिटी, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन होती है, एक डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है, और सेकंड है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट, ये एस बना हुआ है, स्ट्रेट पोलैरिटी। तो मेनली तो आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे है कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में जो आपका है
वो वर्क पीस आपका निगेटिव रखा जाता है, जबकि जो आपका इलेक्ट्रोड है उसे पॉजिटिव रखते हैं। मैंने लिखा भी है इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह की पोलैरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। जबकि अगर आपका जो वर्क पीस है वो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड आप निगेटिव रखते हो, तो इस तरह की कंडीशन डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, जो आपका डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी है उसमें जो आपका पेनेट्रेशन होगा वेल्डिंग में वो आपका सैलो होगा, मतलब कि ज़्यादा डीप नहीं होगा, गहरा नहीं होगा। ये देखिए मैंने सेप भी बनाया है। जबकि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में आपका जो पेनेट्रेशन है वो देखिए कितना डीप है। उसके बाद मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है हीट जनरेशन। अगर आपने इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रखा है तो 2/3 जो हीट लगभग जनरेट होगी 100% में मैं ले रही हूँ, तो वो इलेक्ट्रोड में ऑलमोस्ट 66% आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोड में हीट जनरेट होगी और बाकी 33% इसी तरह से आपका। डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में आपका वर्क पीस पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोड निगेटिव होगा, तो जो चीज़ पॉजिटिव होगी उसमें ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो यहाँ पे वर्क पीस में ऑलमोस्ट 66% हीट जनरेट होगी और इलेक्ट्रोड में ऑलमोस्ट 33%। ओके, उसके बाद डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी में जो आपका मेटल डिपोजिशन वेट है वो हाई होगा, जबकि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में आपका मेटल डिपोजिशन वेट आपका क्या होगा, लो होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखिए, मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग में देखिए, सबसे पहले तो वेल्डिंग टू टाइप्स की होती है, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। होमोजीनियस अगर आप फिलर रॉड या फिर फिलर रॉड में जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो या फिर जो आपका इलेक्ट्रोड अगर कंज्यूमेबल है, अगर उसका जो मटेरियल है वो बेस मेटल से मैच कर रहा है तो वो होमोजीनियस है, सेम मेटल का अगर है। अगर हेटरोजीनियस है तो उसका जो मटेरियल होगा वो अलग होगा बेस मेटल के उससे, ठीक है। तो इस टाइप की वेल्डिंग को हेटरोजीनियस मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी। उसके बाद होमोजीनियस को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी, आर्क वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग जो होती है वो मोस्टली टू टाइप्स से आप डिफाइन कर सकते हो, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग एंड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में टू टाइप्स की वेल्डिंग आती है, टिक यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये जो दो हैं वेल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हेटरोजीनियस वेल्डिंग है उसमें आप सोल्डिंग, ब्रेजिंग, एडहेसिव बॉन्डिंग, इस तरह की जो वेल्डिंग आती हैं वो आपकी हेटरोजीनियस में है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ वेल्डिंग्स हैं लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने उन्हें इस टेबल में इंक्लूड नहीं किया है। मैंने केवल उन्हीं वेल्डिंग को किया है जो कि थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की वेल्डिंग की, जिनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग मेनली क्या होता है इसमें, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में मेनली होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होती है इसमें जो होता है, ग्रैनुलर फ्लक्स को हम अपने जो भी वर्क पीस को ज्वाइन करना रहता है, वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोग क्या करते हैं, भर देते हैं, ठीक है, फिल कर देते हैं। उसके बाद जो इसकी आर्क होती है उसको फ्लक्स ब्लैंकेट के अंदर जनरेट करते हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मीन्स होता क्या है, डूबी हुई। तो जो यहाँ पे मोस्टली जो आर्क डेवलप होती है वो फ्लक्स का एक ब्लैंकेट टाइप का होता है, यानी फ्लक्स होता है उसके अंदर ही जनरेट करवा देते हैं हम लोग। केवल आर्क का कुछ पोर्शन ही है जो कि बाहर से देखा जा सकता है, यही रीज़न है कि इस वेल्डिंग का नाम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो फ्लक्स है वो आपका डीऑक्सीडाइजर का काम करता है, आपकी वेल्ड बीट को एटमॉस्फेरिक गैसेस से इफेक्टेड होने से बचाता है, वो मैंने फ्लक्स की आपको क्वालिटी पहले ही बता दी है, ठीक है। अब मोस्टली इससे पूछ लेते हैं ये पॉइंट कि जो कौन सी वेल्डिंग है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स विल बी फॉर्म्ड इन द गैस, ठीक है। सेकेंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द टेम्परेचर इन द कोर ऑफ द आर्क, जो आपकी आर्क होती है उसका जो कोर होता है, इनर कोर, आउटर कोर, तो जो उसका आर्क का कोर होता है, इनर कोर, उसमें कितनी लगभग टेम्परेचर रहता है, तो 6000 से 7000
सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सम्मर्स डार्क वेल्डिंग कैन बी परफॉर्म्ड बोथ ऑन एसी एंड डीसी सोर्स। जो सम्मर्स डार्क वेल्डिंग है उसके लिए हम एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट या फिर डायरेक्ट करंट, किसी भी करंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि पूछा जा सकता है कि सम्मर्स डार्क वेल्डिंग में कौन सा सप्लाई यूज़ होती है, एसी डीसी या फिर बोथ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सम्मर्स डार्क वेल्डिंग होती है वो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग या गैस टंगस्टन आग वेल्ड। देखिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड विल बी यूज्ड। अगर टंगस्टन है तो इसमें ये पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोड किसका यूज किया जाता है, तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आया नॉन कंज्यूमेबल, तो अब मैं यहाँ पहले आपको बता देती हूँ कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखिए जहाँ पर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वहाँ पर फिलर रॉड यूज नहीं की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोड ही फ्यूज होता है, मेल्ट हो के ज्वाइंट को बनाता है, ठीक है। कंज्यूमेबल मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है खुद ही, ठीक है। और नॉन कंज्यूमेबल का मतलब होता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रोड खुद ना मेल्ट हो, तो वहाँ पर हमें एक अलग से फिलर रॉड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि यदि प्लेट थिकनेस अगर हमारी 5 mm से कम है तो इलेक्ट्रोड को हम कंज्यूमेबल बनाएंगे। जहाँ पर हमें ऐसी प्लेट को ज्वाइंट करना है जिसकी थिकनेस 5 mm से कम हो, तो वहाँ पर मोस्टली हम फिलर रॉड का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम डायरेक्ट ही कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, वो मेल्ट होता जाता है और ज्वाइंट को बनाता जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोड को लगातार फीड करवाते हैं, जिसके लिए फीडिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ता है। अगर आपको कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फीडिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपका एक ऑप्शन और है कि आप इलेक्ट्रोड रोड को होल्डर से जोड़ना पड़ेगा, या फिर जिससे प्रोसेस थोड़ा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या फिर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। इसका ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। उसके बाद अगर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि इलेक्ट्रोड जो है वो आपका मेल्ट नहीं होता है, जिससे कि हमें फीडिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर इलेक्ट्रोड को हमें अगेन एंड अगेन चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो उसमें आपको एक फिलर रॉड अलग से लेनी पड़ती है, जो कि आपका मटेरियल को भरती है या फिर वो ज्वाइंट बनाती है, ठीक है। फिर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के रूप में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, टंगस्टन रॉड या फिर कार्बन की रॉड को यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड व्हाट इज़ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग टिग, इसका शॉर्ट फॉर्म है टिग, या फिर इसे हम लोग गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो मेनली मैंने ये तो बता दिया है कि इसमें नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू इंक्रीज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन अलॉयिंग एलिमेंट, हम थोरियम या फिर बेरिलियम का यूज करते हैं। अगर आपको थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ाना है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, तो मोस्टली हम लोग कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, थोरियम या फिर बेरिलियम, ठीक है। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए इसमें फिलर वॉड या फिलर वॉड के बिना वेल्डिंग होती है, यह एक क्लीन प्रोसेस है, क्योंकि हम फ्लक्स का इसमें यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो आपकी ये इनर्ट गैस है ना, वो आपको जो आपका मॉल्टन मेटल है उसे ऑक्सीडाइज होने से बचा लेती है। तो इसका एक ये बेनिफिट है कि इसमें इनर्ट गैस रहती हैं जैसे कि हीलियम या फिर ऑर्गन, तो इसमें किसी भी तरह का कोई फ्लक्स का यूज नहीं करते हैं हम लोग। तो ये एक ऐसी वेल्डिंग है जहाँ पर फ्लक्स का यूज नहीं होता है। मोस्टली अगर आप इस वेल्डिंग का टेम्परेचर जानना चाहते हो, तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 3300 से 3600 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट वेल्डिंग की बात करते हैं। देखिए इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मॉल्टन वेल्ड पूल इज़ प्रोटेक्टेड बाय इनर्ट गैस, वो मैंने बता दिया, हाँ। लेकिन एक नोट है ये, देखिए नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ कॉपर। अगर आप कॉपर की वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हम प्रेफरेंस देंगे अपनी इनर्ट गैस में, तो वो हम क्या यूज करेंगे, नाइट्रोजन, ठीक है।
अब देखिए पावर सप्लाई की बात कर लेते हैं कि द पावर सप्लाई विल बी एसी और डीसी डिपेंडिंग ऑन वर्क पीस। ये भी जैसे समर्स डार्क वेल्डिंग आपकी एसी और डीसी बोथ सप्लाई में वेल्डिंग की जा सकती थी, उसी तरह से इसमें भी एसी और डीसी यूज की जा सकती है, लेकिन वो मोस्टली आपके वर्क पीस पर डिपेंड करेगी। जैसे मोस्टली हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी विल बी यूज्ड। यहाँ पे जो किस तरह की पोलैरिटी यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी मैंने बताया था कि जिसमें वर्क पीस को आपको पॉजिटिव रखते हैं और इलेक्ट्रोड को निगेटिव। इसका ये मतलब है कि वर्क पीस में ज़्यादा हीट जनरेट होगी ऑलमोस्ट 66%, जबकि जो आपका इलेक्ट्रोड होगा उसमें 33% हीट डेवलप होगी। लेकिन डीसी एसपीएम यूज़ तो करते हैं, लेकिन यदि हम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर हम डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी नहीं यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ पर एसी वेल्डिंग विल बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई देते हैं अगर हम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग करते हैं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग या फिर गैस मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें भी हम लोग ये टिक का ही एक तरह का फॉर्म है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और इसमें डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी यूज की जाती है सभी मटेरियल की वेल्डिंग करने के लिए। बाकी अभी कुछ इंपॉर्टेंट वेल्डिंग और भी बची हैं जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो मोर एंड मोर।